तो दोस्तों गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शंस में बीजेपी ने अपनी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन यही बीजेपी जो थी वो कुछ दिनों पहले तक पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शंस में जीरो पर खड़ी हुई थी। आखिर क्या मतलब है बीजेपी की इस जीत का गुजरात के अंदर, दूसरी तरफ कैसे ये जीत हासिल की गई है और वो कौन सा अनछुपा सा चेहरा है जो इस जीत के पीछे काम आया है। साथ ही साथ किसान आंदोलन के लिए इस जीत का क्या मतलब है दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के ताज़ा खबर। तो दोस्तों गुजरात में लोकल बॉडी के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। 6 शहरों में, बड़े शहरों में ये चुनाव हुए थे और इनके जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले हैं। टोटल 576 यानी 576 सीटों पर इलेक्शन होते हैं, जिनमें से बीजेपी 483 यानी कि 483 सीटें जीतते हैं, यानी कि 83% का कन्वर्जन रेट, शायद बीजेपी की हिस्ट्री में लोकल बॉडीज में सबसे ज्यादा। पिछले इलेक्शन 2015 में हुए थे जहां बीजेपी ने जीती थी 390 सीटें यानी 390, और इस बार जीती है 483 यानी करीब करीब 90 सीटों का इजाफा सीधा सीधा एक इलेक्शन के अंदर। वहीं कांग्रेस ने 2016 में जीती थी 175 यानी कि 175 सीटें और अब जीती हैं 55 यानी कि 55। लेकिन एक सरप्राइज भी था आम आदमी पार्टी के रूप में, जिन्होंने सूरत के अंदर 27 सीटें जीती। अगर शहर वाइज कंपैरिजन करना है तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है आपको यह दिखाना कि बीजेपी जीती कैसे, आम आदमी पार्टी बढ़ी कैसे और किसान आंदोलन से इसका क्या रिलेशन है। तो सवाल यह आ जाता है कि चमत्कार आखिर हुआ कैसे, लेकिन उसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भैया इसको चमत्कार हम कह क्यों रहे हैं। तो जी बीजेपी जो है करीब करीब 25 सालों से गुजरात के अंदर गद्दी पर कब्जा करके बैठी हुई है, और दूसरी तरफ यदि हम 2017 के जो गुजरात के असेंबली इलेक्शन है उनके रिजल्ट को देखते हैं तो बीजेपी को 99 यानी कि 99 सीटें मिली थी जो कि क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद 2002 से जितने भी इलेक्शंस हुए थे उसमें ये सबसे कम सीटें उसने जीती थी। और जो मीडिया थी उसमें से काफी चैनल्स, काफी प्रिंट मीडिया ये कहने लगी थी कि बीजेपी के अंत की शुरुआत है गुजरात के अंदर। अब ऐसे में लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करती है लोकल बॉडीज इलेक्शंस के अंदर, वो भी 25 साल की एंटी इनकंबेंसी के बाद, तो इसको चमत्कार तो कहना ही पड़ेगा। अभी जानते हैं कि भाई चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तो जी 2020 में बीजेपी के जो स्टेट अध्यक्ष थे गुजरात के अंदर वो नियुक्त किए गए सीआर पाटिल, ये भाई साहब जो हैं वो एक एमपी भी हैं गुजरात से ही, और इसके बाद इन्होंने सक्रिय होते हुए संगठन के अंदर काफी फेरबदल किए, और उसके बाद जो पन्ना प्रमुख होते हैं जो अंत में वोटर को बूथ तक लेकर आते हैं उनको सक्रिय कर दिया। वोटर टर्नआउट जो था वो कम हुआ था, लेकिन बीजेपी अपने वोटर को बूथ तक लेकर आ पाई और जीत गई, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो होती हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जरा सूरत का रिजल्ट देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें वहां पर कैसे जीत ली। तो जी सूरत के अंदर 120 सीटें हैं जिसमें से 93 जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, कांग्रेस ने 0 जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 27 जीती हैं। और इसके बाद जो है मीडिया ने कुछ इस प्रकार का नैरेटिव सामने रखना शुरू कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि 2022 के जो इलेक्शन हैं गुजरात के अंदर उसमें बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी होगा। क्या ये बात सही है? तो जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है ना उसने 470 से ज्यादा सीटों पर अपने जो कैंडिडेट थे वो खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्त हो गई सूरत के अंदर छोड़कर, जिसमें उन्होंने 27 सीटें जीती हैं। लेकिन कैसे? तो जी आपको हार्दिक पटेल याद है, उन्होंने जब पटेल रिजर्वेशन का मुद्दा छेड़ा हुआ था तो पाटीदार आंदोलन के समय उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति यानी कि PAAS पास नाम से एक संस्था बनाई थी जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करती है, हर इलेक्शन में सपोर्ट करती है, लेकिन इन इलेक्शन के अंदर जो है उनके लोगों को टिकट नहीं मिल पाई तो उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस को सपोर्ट ना करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया और ये रिजल्ट सामने है। अब 27 सीटें निकालना या जीतना बड़ी बात होती है, लेकिन उनको सस्टेन करना उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है। हार्दिक पटेल जो है वो कभी भी इन लोगों को दोबारा से अपने पास बुला सकता है, और ऐसा पास्ट में होता रहा है, अब भी बहुत इजीली हो सकता है। ये जो 27 सीटें हैं आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या उसके बेस की वजह से नहीं आई हैं, ये आई हैं कांग्रेस से कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर दिया है, उस वजह से आई हैं। तो आई थिंक ज्यादा गाल बजाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि देश के अंदर एक ऑपोजिशन होना चाहिए, अब वो केजरीवाल की फॉर्म में हो या कांग्रेस की फॉर्म में हो, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अब जरा किसान आंदोलन की तरफ ध्यान देते हैं। तो जी गुजरात से पहले जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन थे ये कहां पर हुए थे? तो जी हुए थे पंजाब के अंदर, जहां पर बीजेपी को मिली थी 20 यानी कि 20 सीटें और आम आदमी पार्टी ने जीती थी 17 यानी कि 17 सीटें, जहां पर उनका ऑर्गेनाइजेशनल बेस भी है। अगर हम 2014 और 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट भी देखते हैं जहां पर वोट डायरेक्टली मोदी के लिए पड़ रहा था,
जाता तो भी बीजेपी को पंजाब से कुछ खास नहीं मिला है। यानी कि हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि मोदी और बीजेपी के पास वहाँ पर खोने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन खोया असली में पता है किसने? अकाली दल ने, जिन्होंने 400 में से सिर्फ 33 यानी कि 33 सीटें जीती हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ पाया ही पाया है। कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ा डोज मिला है इस जीत के रूप में। लेकिन किसान आंदोलन तो भाई कई महीनों से चल रहा है, तो कई महीनों से आए हुए ग्रामीण बॉडीज के जो रिजल्ट हैं पूरे देश के अंदर, वो जरा देखते हैं। तो जी, गोवा में पंचायत चुनावों के रिजल्ट आते हैं 49 सीटों पर। इनमें से 41 यानी 41 सीटें जो होती हैं वो बीजेपी लड़ रही होती है, 32 यानी कि 32 उसमें से जीत जाती है, 78% का स्ट्राइक रेट रहता है। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के रिजल्ट आते हैं, बीजेपी 1989 यानी कि 1989 सीटें जीतती है और कांग्रेस 1852। अरुणाचल में पंचायत के रिजल्ट आते हैं 8291 में से 5410 यानी कि 5410 सीटों पर बीजेपी जीतती है, 65% का स्ट्राइक रेट रहता है। बिहार इलेक्शन रिजल्ट में बिहार में 110 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, 74 यानी 74 सीटें जीतती है, 68% का स्ट्राइक रेट 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, जहां बिहार में 90% लोग ग्रामीण हैं। लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव होते हैं, बीजेपी 26 में से 15 यानी कि 26 में से 15 सीटें जीतती है। मध्य प्रदेश बायपोल्स 28 में से 19 28 में से 19 बीजेपी जीतती है। गुजरात बायपोल्स जो होते हैं उनमें से 8 में से 8 बीजेपी जीत जाती है। इसके अलावा कर्नाटका और तेलंगाना में जो मिलाकर 3 सीटों पर इलेक्शन हुए थे उनमें से तीनों की तीनों बीजेपी जीत जाती है। इन्हीं बायपोल्स के दौरान बीजेपी उड़ीसा में 2 सीटें हारती है, लेकिन यूपी में जो बायपोल्स होते हैं उसमें से 7 में से 6 जीत जाती है। यहां से साफ हो जाता है कि किसान आंदोलन का जो है ना पूरे देश के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं है। हाँ, पंजाब के अंदर प्रभाव जरूर है, लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी के पास खोने को शायद कुछ ज्यादा था ही नहीं, तो शायद उन्हें उतना फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन एक फर्क जो है वो देखना बाकी है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी निकट परिस्थिति में कोई ढंग का चुनाव रिजल्ट हमें दिखता नहीं है। तो वहां पर किसानों को फर्क पड़ रहा है या नहीं वो उन चुनावों से ही पता चल सकता है, लेकिन अभी कुछ हो ही नहीं है तो कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर यहां पर किसानों को फर्क पड़ रहा है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। गुजरात की जो जीत है वो बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल पावर है उसका परिचय देती है। वहीं पर कुछ लोग कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पीछे लग लेंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसा मुझे कम लगता है, क्योंकि कांग्रेस का एक बेस है गुजरात के अंदर, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई बेस ही नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ओवरऑल एक विपक्ष की जरूरत होती है, तो वो अब विपक्ष का रोल जो है वो कांग्रेस करेगी या आम आदमी पार्टी करेगी तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप जानते होंगे, आप भारत की जनता है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को चीजें जो है पता चल सकें। और उसके अलावा हमें यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे काम को, तो उसके लिए patreon.com है और ज्वाइन बटन है, जिनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो vocalfactory.com है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर, जय हिंद जय भारत।